जय हिंद दोस्तों, आज हमारा लाहौल स्पीति में छठा दिन है और आज हम टूर कराएंगे आपको काजा सिटी। काजा सिटी जाने के दो कारण है, एक तो हमारी गाड़ी में पंचर हो गया है तो पंचर भी आसपास वहीं बनेगा, और सबसे बड़ी बात साथ में पेट्रोल पंप, इकलौता पेट्रोल पंप वहीं है तो पेट्रोल भी वहीं से डलवा के लाना पड़ेगा। तो टूर बड़ा शानदार रहेगा ये, साथ में आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट और नेचर व्यू तो हमेशा हर वीडियो में आपको मिलेगा। प्रॉब्लम और हो गई हमारे साथ, हम है ना पंप लेके नहीं आए गाड़ी का, और देखिए टायर हवा कम हो गई है इसकी, पंप हमारे पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर आसपास कोई है नहीं, हमें 30 किलोमीटर गाजा जाना पड़ेगा, हम लोसर है अभी, वहाँ जाके हवा भरनी पड़ेगी हमें टायरों की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए आपको यहाँ आने से पहले। ये सामने आपको दिख रही है की मोनेस्ट्री, अगले एपिसोड में हम वहाँ जाएंगे और आपको की मोनेस्ट्री भी दिखाएंगे जो वर्ल्ड की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री है, और इसके आसपास इतने प्यारे नज़ारे। नाक में नथुने डाल रखे हैं ना, वो याक है, खतरनाक होते हैं यार ये, तो गुस्सैल होते हैं, छोटे हैं आगे देख के, किसी के एक को लग गई ना सच बहुत मार देते हैं गाड़ी में, उतार उतार के मारते हैं। याक याक नहीं छोड़ता भाई वो, मारेगा जब जब रुकूंगा मैं। हाँ याक तो भाई टैक्सी के पीछे आएगा, याक नहीं छोड़ेगा दिल्ली तक, और तेरे को आने जाने का किराया देना पड़ेगा, और जो उसको गर्मी लगेगी ना साथ में बर्फ देनी पड़ेगी उसको, ठीक है कि ठंडा रहे भाई तू ठंडा। नेचर के सबसे अलग रंग आपको यहीं देखने को मिलेंगे, वो ऊपर आके ना तब थोड़ी ग्रीनरी दिखी है ना, तो बिल्कुल गिरने वाले पहाड़ थे, कुछ दूर दूर चलेंगे ऐसे थोड़ा सेफ सा साउंड हुआ यहाँ पर, ना तो इतने गिरने वाले पहाड़ थे भाई, और टायरों का नाश हो लिया, टायर तो नए लगवाने पड़ेंगे भाई, बुरा हाल हो गया टायरों का, एक टायर तो फट गया है। लग तो ऐसा ही रहता वैसे, लग रहा है सर जैसे कैलाश में। वैसे अगली बार जब आए कोई आएगा ना यार, जब तक रोड़ा चौड़ा हो जाएगा ऐसे खतरनाक वाला रहेगा नहीं, नहीं बहुत ही चौड़ा रोड बन रहा है अभी तक। ये बजरी के पहाड़ ना यही मिलेंगे लाल स्पीति में, बजरी रुकी हुई है बस किसी तरह किसी तरह, देखिए हवा से बड़े हुए ना पानी और हवा से किले के टाइप में, कौन सी नदी है साथ में ये
स्पीति रिवर सड़क पर देखनी पड़ेगी, साथ में ना पहाड़ों पे भी नजर रखनी चाहिए कि कोई पत्थर गिर तो नहीं रहा, थोड़ा रोक लो या बैठ कर लो भाई, यही रास्ता होगा ना। इस पुल की भार 16 टन है भाई, सूरज का रोज इतनी तेज रोशनी हो गई है कुछ दिखना ही बंद हो गया है, बंद हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, सूरज की इतनी रोशनी हो गई है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा मुश्किल हो रहा चलाना, अभी दिखाता हूँ। देखो अभी ये गाड़ी भी रुक गई है आगे वाली, दिखना ही बंद हो गया है अभी, वो अभी चश्मे ढूंढ रहा है ब्लैक, मैं तो उसकी धूल से चला रहा हूँ बस, वो आगे वाली भी दूर गाड़ी है, खड्डा है मेरे तरफ ले, अब खड्डा देखा जाएगा, तू देखता रह, तू भी थोड़ा बहुत दिखता तू मेरे तरफ रख भाई। इतनी ऊंचाई पे है ना सूरज इतना तेज हो जाता है, आप सोच नहीं सकते इतनी तेज रोशनी है सूरज की, और मैंने ब्लैक लगा रखे हैं फिर भी दिखना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं इस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं आगे वाली के, बिल्कुल अंदाजे से चला रहे हैं गाड़ी, शुक्र ये है यहाँ पर गहरी खाई नहीं है, थोड़ा चौड़ा ये नया रास्ता बना रहे हैं, अब ये चौड़ा रास्ता इतना कर रहे हैं, कम से कम 4 लेन करेंगे मेरे ख्याल से ना, 4 लेन करेंगे इसको भाई, फिर यहाँ गाजा तक आना है ना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये भी एक समस्या है यहाँ पर जो हम फेस कर रहे हैं। ये पहली बार की है मैंने तो जीवन में कि इतनी तेज सूरज की रोशनी है, आगे दिखना ही मुश्किल है, मैं सिर्फ नीचे देख रहा हूँ थोड़ा सा आगे बस, उससे चल रहे हैं। चलो अब जैसे ही मोड़ आएगा ना तभी बात बनेगी, या सूरज किसी पहाड़ के पीछे आएगा ना तब बात बनेगी, ना तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अब है ना सूरज पहाड़ के पीछे जा रहा है तो अब थोड़ा दिखने लगा भाई, सही से ही मुड़ना है, कोई रोड पे नहीं है पेट्रोल पंप, यहाँ छुपा हुआ है और इकलौता पेट्रोल पंप है ये, इस तरफ यहाँ से ले संजय, इस तरफ से डीजल उस तरफ है इसका पॉइंट, वहाँ यहाँ से ऐसे ले ले इस गाड़ी के पीछे, स्कॉर्पियो ना इसके पीछे, ऐसे ऐसे देखो हिमाचल में काजा में भी इतनी पतली रास्ता है ये हैराना, इतना ही मेरे गांव में भी ऐसे ही रास्ता है बकर वाले में भी ऐसे ही रास्ता है भाई, ऐसे ये पहाड़ों में है, ये पहाड़ों में है, पहाड़ वाले भी जगह नहीं छोड़ते बताओ, ये भी चौतरा बाहर निकाल रहे हैं, हां चौतरा और क्या टक्की भाई, एक मिनट रुक जा सुन, चले चले जाए, चले बन गया है, एक काजा की गलियां हैं, नहीं मेरे को भी चौतरे का बाहर काट रखे, ये देखो कैसे चौतरे बाहर निकाल रखा है, बिल्कुल मेरे गांव बकर वाला की तरह, बकर वाले जैसे गांव में जैसे नहीं है वैसे अपना अपना निकाल रखा भैया यहां पे, देखो साइकिल भी खड़ी कर दे ना कोई तो निकल नहीं पाएगा, पहाड़ों में तो इतनी जगह होती है फिर भी इन्होंने अपना अपना जगह घेर रखा है, अच्छा वो मेल करनी है आगे से कुछ आ जाए ना तो हाँ मुश्किल जा रहा है जा रहा है इस दुकान के बाद यही लगा तो पड़ा जी।
काचा आए थे पेट्रोल डलवाने और टायर पंचर लगवाने, क्योंकि यहाँ ही आना पड़ेगा आपको। 80 किलोमीटर के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं, और शाम हो गई, और देखो कितनी बढ़िया, क्या प्यारा, ऐसा आकाश ना दिल्ली में तो दिखेगा नहीं कभी भी, कितना खूबसूरत है भाई। Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. साइड में चल रही है अपने हजारों फीट गहरी खाई, और साथ में चला ड्राइवर, चला ले रहा भाई। हाँ भाई मैं ही चला रहा हूँ। चला क्या लेगा? अच्छा ना चला तो खड़ी कर दी साइड में, हम यहीं सो जाएंगे। तुम्हारे पास कभी नहीं चलाना यहाँ पे। ये कोई रात को बिल्कुल भाई कह सकते हो डरावने या खामोश कुछ भी भाई, यहाँ पैदल 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 जा सकता संजय तू? नीचे खाई है और इस तरफ खड़ा पहाड़, डर के मारे ही मर जाएगा भाई। जो कुछ नहीं दिख रहा आगे, ये तो लाइट है, तब हमें थोड़ा 30 किलोमीटर से पहले कोई इंसान नहीं दिखेगा यहाँ, ठीक है ना? हम इतनी दूर है अभी, देख नाप के रोड बना के गाड़ी निकल जाए बस। नहीं दूसरी गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती। हाँ देख किसी भी कीमत पे यहाँ पे। ये है भाई गाजा काचा, गाजा हिमाचल, और भाई जनरेटर यहाँ लगा हुआ था, रोशनी हो नहीं रही, जनरेटर लगा रखा है।